मोनिका, तुम पहले पहिया घुमाओ। नहीं, मुझे कैक्टस नहीं चाहिए। और रुको, मैं क्रीम को मना नहीं करूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। कैक्टस का मतलब है कैक्टस। किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। लेकिन चिंता मत करो, मैं लकी होगी और तुम मेरे लिए खुश होगी। देखती हो, मैंने तुमसे कहा था, हबा बबा गम से ज्यादा स्वादिष्ट कुछ नहीं हो सकता है, और खासकर जब इतने सारे हो। मैं ये सब जल्द से जल्द रैपर से बाहर निकाल कर केक पर लगाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि यह बहुत स्वादिष्ट होगा। मुझे अब तक का सबसे चमकीला केक मिला है, और अभी यह खत्म नहीं हुआ है। और मैं अपने केक को और भी सुंदर बनाने के लिए बचे हुए गम से दिल बना सकती हूँ। कितना सुंदर है। मोनिका, तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि बहुत प्यारा है। ये इसे खाने का समय है। ये तो सच में लाजवाब है। मैं एक बार में ये पूरा केक खाना चाहती हूँ। क्या मैं कम से कम वो दिल ले सकती हूँ? नहीं, मैं ये खुद खा लूंगी। क्या तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बबल देखना चाहती हो? तुम मेरे साथ शेयर नहीं करना चाहती, और मैं तुम्हारा बबल नहीं देखना चाहती, तो यह लो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मेरा पूरा चेहरा अब चिपचिपा हो गया है। हंसना बंद करो, बेहतर होगा अपना कैक्टस केक खाओ। मैं इसे कैसे खा सकती हूँ? कैक्टस बहुत कांटेदार है। अरे हाँ, यदि कांटों को निकाल दे तो कैक्टस उतना भयानक नहीं रहेगा। लेकिन पक्का यह नाखून की कैंची से काम नहीं आएगा। और ये बहुत बड़े हैं। मुझे लगता है कि क्लिपर्स कैक्टस को ट्रिम करने के लिए एकदम सही है। कितना बोरिंग है। हो गया, अब केवल एक ही चीज बची है, कैक्टस को मेरे केक पर डालना। यह सच में प्यारा लग रहा है। देखो कितना अच्छा है। बातचीत बंद करो, अब इसे खाने का समय है। आशा है कि इसका स्वाद उतना ही अच्छा होगा जितना यह दिख रहा है। ओह नहीं, यह घास के फ्लेवर वाला केक खाने जैसा है। ठीक, अपने केक का मजा लो। मैं पहले पहिया घुमाना चाहती हूँ। क्या यह कोई मजाक है? मुझे मसल से नफरत है। मैं इतनी बदनसीब क्यों हूँ? क्योंकि मैं भाग्यशाली हूँ, और मुझे क्रीम मिल गई। और मैं यह अभी केक पर डालने जा रही हूँ, ताकि इसे और भी स्वादिष्ट बनाया जा सके। मुख्य बात यह अच्छी तरह से लगाना है। हो गया, अब मैं यह खा सकती हूँ। सांता क्लॉज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नया साल थोड़ा जल्दी नहीं आ गया? तुम सिर्फ मुझसे ईर्ष्या कर रही हो। मेरे पास अभी भी मीठी क्रीम से भरा केक है। बेशक मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगी। एक केक तुम्हारा भी इंतजार कर रहा है, पर हाँ, मसल्स के साथ। ये कितना बेकार होगा। आह, और इतना कड़ा। उफ, इसकी वजह से मेरा दांत टूट गया। इसके बाद मैं अभी और कभी नहीं छूंगी। तुम बिल्कुल नहीं जानती कि यह कैसे खाया जाता है। तुम इसकी शेल नहीं खा सकती हो। खाने की चीज अंदर होती है। देखो यह कितना स्वादिष्ट है। यही तुम्हें अपने केक पर डालना होगा। ओ, कितनी बदबू आ रही है। क्या मुझे यह खाना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल। और तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम इतना स्वादिष्ट केक कैसे खराब कर सकती हो? मैं इसे देखकर ही उल्टी कर दूंगी, और मैं सच में अभी बीमार होने वाली हूँ। ओह सूजी, यह एक बहुत बड़ी मोती है। मैंने ही मसल्स को खोला था, तो अब मेरी है। वापस करो मुझे मेरी मोती, अभी दो। और अब वो कहाँ है? ला 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 ला। मुझे पहले उसे खोजना होगा।
तुम क्या खोजोगी, मैं उसे ढूंढ लूंगी, वो मेरी है। कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। ओह क्या, हम बेमतलब के मसल्स और केक में ढक गए हैं। इस बार पहले पहिया मैं घुमाऊंगी। ओह हाँ, मैंने सपना देखा था कि मुझे ये मार्शमेलो स्टिक मिलेंगे, उनके साथ केक नए स्वाद के साथ जगमगाएगा और इससे मस्त चोटी भी बनती है। देखो, ये पक्का मेरा दिन नहीं है। देखते हैं मुझे क्या मिलेगा। ओ, इस बार मुझे कच्चे नूडल्स का एक पूरा ढेर मिला है। हाँ हाँ, तुम्हें केक इसी से सजाना होगा। तुम किसका इंतजार कर रही हो? ओके। ओह, कुछ किया नहीं जा सकता है। ठीक है, मैं केक सजाती हूँ। पता नहीं कैसा होगा, मैंने स्वाद का ऐसा अजीब कॉम्बिनेशन कभी नहीं देखा। ओह नो। हाँ, ये बहुत खराब लग रहा है। कितनी घटिया क्रंच की आवाज आ रही है, मुझे जल्दी अपने कान बंद करने होंगे। मेरे पास एक आइडिया है। यदि मेरे केक के ऊपर उबलता पानी डाले तो नूडल्स बहुत नरम और बढ़िया हो जाएंगे। वाह, अब मैं एक बढ़िया लंच कर सकती हूँ। मुझे पसंद आया। जब तक मोनिका अपने नूडल केक में फंसी हुई है, मैं अपने केक को मार्शमेलो से सजाऊंगी। Awesome! देखो ये कितना सुंदर लग रहा है ना। बहुत अच्छा। Could you please? मोनिका, इसके बारे में सपने में भी मत सोचो। तुमने कहा कि तुम लंच कर रही थी, तो चुपचाप लंच खाओ और मैं इसका मजा लूंगी। मुझे नहीं लगता कि सुजी को बुरा लगेगा अगर मैं अपने लिए थोड़ा सा ले लूं। तो ज्यादा लालची मत बनो। यह क्या किया, मुझे अभी चोट लग जाती। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे यह खाने में बहुत मजा आ रहा है। पहले कौन घुमाएगा, चलो रॉक पेपर सीजर हो जाए। अरे मैं जीत गई। नहीं मोनिका, तुमने मुझे श्राप दिया ना, ये क्या हो गया। मुझे आशा है कि कम से कम मैं इस बार भाग्यशाली होऊंगी। आखिरकार मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपना केक मजे से खा सकती हूँ। काश मैं इन स्वादिष्ट गमी आंखों को जल्द से जल्द सजा पाती। हाँ, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं सब डाल दूंगी। कितना सुंदर। मैं तो केक पर सब कुछ लगा दूंगी। नहीं सुजी, मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगी, मैं हर आंख खुद खाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। मोनिका, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने लिए कम से कम एक आंख नहीं ले पाऊंगी? तुम सही कह रही हो, मैं यह सब पूरा खुद खाऊंगी। यह कितना स्वादिष्ट है, लाजवाब। आखिर मैंने मजे से केक खा लिया और मैं आखिरी गम आंख अलग तरीके से खाऊंगी। पर बिल्कुल काम नहीं किया, लेकिन मैं ये ले सकती हूँ, ये सच में स्वादिष्ट है। चोर, तुम्हारे लिए अपने मिर्च खाने का समय हो गया है। ओह, मैं ये देखने से भी डर रही हूँ। आशा है कि मैं अंदर से नहीं जलूंगी। चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, चलो इस तीखे मॉन्स्टर का बाइट ले। ठीक है, चलो। ओह, मैंने एक बाइट लिया, लेकिन मैं पहले से ही अपने पूरे शरीर में फैलती आग को महसूस कर सकती हूँ। यह काफी नहीं है, तुम्हें केक खत्म करना होगा। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी खराब हो। ओह, ओह नहीं। ओह, आग बहुत है, उस सूजी को बचाने का समय आ गया है। अब मैं ठीक हूँ। धन्यवाद मोनिका, आखिर तुम एक सच्ची दोस्त हो। होता है, कितना सुंदर केक है, मैं अपना सजावट चुनने के लिए तैयार हूँ। वाह, गमी कीड़े बहुत अच्छे हैं। मेला, जरा देखो तो कितने हैं। अब पहिया घुमाने की तुम्हारी बारी है।
मुझे डर लग रहा है मुझे कुछ कम स्वादिष्ट मिलेगा। मुझे पता था असली कीड़े थी। उफ, ये कितने भयानक है। मैं इसे अपने केक पर नहीं डाल सकती। तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। पसंद हो या ना हो तुम्हें करना होगा। मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगी ताकि मैं इसे ना देख सकूं। मम्मी ये चल रहे हैं, ये बहुत भयानक है। इतने कम क्यों? तुम्हें सारे डालने होंगे। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी खराब हो केज। मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था। हाँ देखने में तो अच्छा नहीं है लेकिन ये मेरी गलती नहीं है, ये नियम है। मैं इसे अपने मुँह में नहीं डालना चाहती। कीड़े हिलेंगे, मैं पक्का इसे नहीं बच सकती। इस केक को बिना कीड़ों के तुरंत लेना होगा। ओह अभी भी घिनौना है, ये कीड़े के स्वाद से लथपथ था। ऐसा लग रहा कि मेरे चेहरे पर कुछ रेंग रहा है। नहीं नहीं हो सकता, फिर से कीड़े। मैं इसे तंग आ चुकी हूँ, मेरे बालों में भी घुस गए हैं। ये सब कब खत्म होगा? ओह क्या तुम थोड़ा सावधान हो सकती हो? मेरी नाक के ठीक नीचे कीड़ा उड़ गया। अच्छा है कि तुमने सब खा लिया और केवल मेरे गमे कीड़े रह गए हैं। इससे बेहतर सजावट नहीं है। मुझे यकीन है वे न केवल मेरे केक को सजाएंगे बल्कि इसे और भी स्वादिष्ट बनाएंगे। देखो कितना प्यारा है, इसे खाने का समय हो गया है। वाकई कमाल का लग रहा है और ये कितना स्वादिष्ट है तुम्हें पता नहीं है। मैं एक बार में पूरा केक खाने के लिए तैयार हूँ। इससे अच्छा कॉम्बिनेशन कुछ नहीं हो सकता है। केट तुम मेरे लिए चीज कर सकती हो? मुझे सिर्फ एक टुकड़ा दे सकती हो? प्लीज प्लीज। क्या बकवास कर रही हो, इसके बारे में सोचना भी मत। मुझे किसी और जवाब की उम्मीद नहीं थी। खैर कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी यार। यह क्या है हमला? मैं अपने केक को बचा सकती हूँ। देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। तुम अपने आप को बचाओ। तुम ही बचाव करने वाली हो, मैं हमला करूँगी। ओह यह लो, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। केक के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं हार गई, मैं केक नहीं खा पाऊंगी। मैं यह याद रखूंगी। मेरे पास एक और आइडिया है। तुम क्या कर रही हो मिला, मुझे जाने दो। कोरा केक अब तुम्हारा है। अच्छा ठीक है। तुम एकदम पागल हो। मैं फिर से पहले पहिया घुमाने के लिए तैयार हूँ। मैं उड़ जाऊंगी, कितनी तेज हवा है। अरे नहीं नहीं हो सकता, ये तो लाल मिर्च है। आखिरकार तुम्हें कुछ खराब मिला, स्वादिष्ट नहीं। चलो देखे कि तुम इसे कैसे संभालती हो। मुझे यकीन है कि इस बार किस्मत मेरे साथ होगी। तुम्हें गमी आंखें मिली, यह सही नहीं है। और ऐसा क्यों? सब सही है, किस्मत ने फैसला किया है। देखो मेरे केक पर गमी आंखें कितनी अच्छी लग रही है। ओह माय गॉड, यह स्वाद का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। मुझे यह केक हमेशा याद रहेगा। मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। क्या तुमने मेरे साथ शेयर नहीं किया था? तो मैं भी नहीं करूँगी। अरे मुझे अभी चोट लग जाती। लेकिन अब तुम निश्चित रूप से मेरा केक नहीं चुरा पाओगी। और वैसे मुझे इस कांटे की जरूरत क्यों है? मैं अपने हाथों से खाऊंगी, इसका स्वाद बेहतर होता है। और इसके अलावा एक बार में और भी बहुत अपने मुंह में डाल सकते हैं। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि कितना स्वादिष्ट है केक, नहीं बल्कि एक मीठा सपना। तुम सही कह रही हो लेकिन इसकी एक खामी है, बहुत जल्दी खत्म हो गया। केवल एक गमी आंख रह गई है। क्या होगा यदि मैं इसे फेंकूं और इसे अपने मुंह में पकड़ लूं? अरे नहीं मिस कर दिया, मुझे समझ नहीं आई कि कैसे हुआ। यह किस्मत का एक असली तोहफा है, मैं एक गमी चख पाई। अब अपना मिर्च वाला केक खाओ। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। ठीक है चलो सजावट के साथ शुरू करते हैं। वैसे यह काफी अच्छा निकला, देखो ये रंग साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। चलो देखें कि तुम्हारे केक का स्वाद कैसा है। इसके बिना भी काम चल जाएगा। लगता है मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, मुझे इसे खाना होगा। मुझे पहले से ही गर्मी लग रही है, मुझे मिर्च पसंद नहीं है। इतने कम क्यों? एक साथ कई टुकड़े खाओ। तुम देखना इसका कोई फायदा नहीं होगा। मुझ पर दया करने की कोशिश मत करो, पूरा खाओ। हो गया, आशा है कि अब तुम खुश होगी। अरे नहीं लगता आग लगने वाली है। मम्मी मैं जल रही हूँ। लगता है मैंने ज्यादा कर दिया है, मुझे उसे सारी मिर्च नहीं खाने देनी चाहिए थी। रुको केट मैं तुम पर पानी डालती हूँ। कितना अच्छा, धन्यवाद। पहले पहिया घुमाने की मेरी बारी है। कैक्टस? अरे नहीं लेकिन यह कांटेदार होगा, मैं इसे कैसे खाऊंगी? एक सेकंड रुको,
मेरी राय में ये गलती है। फ्रेंच फ्राइज पर पहिया रुक गया है। ठीक है कोई चीटिंग नहीं। हाँ सही है, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। अब मैं पहिया घुमा रही हूँ, कुछ मुझे बता रहा है कि मुझे कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। गम मुझे एकदम सही लग रहा था। वाह इतनी सारी वैरायटी, तो मुझे उनमें से कम एक दे सकती हो? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं खुद सब कुछ खाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि यदि रंगों को मिलाते हैं तो ये बहुत सुंदर और स्वादिष्ट निकलेगा। ओह माय गॉड कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है, मैं शायद इसे खाने से खुद को रोक सकती हूँ। ये बहुत अच्छा निकला, मुझे ये केक लेने में कोई दिक्कत नहीं है। सजावट के लिए सभी च्युइंगम का उपयोग करना जरूरी नहीं है, इसे ऐसे भी खाया जा सकता है। हाँ तुम सही कह रही हो, देखो मेरे पास एक दिल है। वाह बहुत प्यारा, मुझे लगता है कि केक को पूरी तरह से पूरा करेगा। वाह तुम एक बढ़िया डेकोरेटर हो। धन्यवाद। आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण समय आ गया है, मैंने जो बनाया है उसे खा सकती हूँ। मुझे कोई संदेह नहीं है कि ये बिल्कुल स्वादिष्ट है। अरे हाँ तुम 100% सही हो, मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक मैं ये सब नहीं खा लेती। केट लेकिन तुम गंदी हो गई हो, तुम्हारे अच्छे शिष्टाचार कहाँ है? या मान लो कि तुम मुझसे सिर्फ जल रही हो। ओ मैं पूरी तरह से भूल गई थी कि बबल गम बबल्स बना सकते हैं। शायद तुम अब रुक सकती हो, ये बबल मुझे डरा रहा है, ये बहुत बड़ा है। बस इतना ही, मुझे शांत करना होगा, मुझे माफ करना। तुमने क्या किया मिला? तुम्हारी वजह से मैं च्युइंगम में ढक गई हूँ, ये बहुत बुरा है। लेकिन ये तुम्हारी खुद की गलती है, मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था। ओह क्या कांटेदार कैक्टस है, मैं इसे नहीं खा सकती। कुछ सोचो, ये तुम्हारी समस्या है। मेरे पास एक आइडिया है, मैं इसे ठीक करने की कोशिश करूंगी। मुझे डर है कि ये कैंची फिट नहीं होगी, कुछ छोटा होना चाहिए। ये भी बहुत बड़े हैं, लेकिन मैनिक्योर वाले बिल्कुल सही है। मेरे कैक्टस को बाल कटवाने का समय आ गया है, जाहिर तौर पर ये कांटे उसे सूट नहीं करते। तुम्हारा प्लान कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि अब मैं अपने कैक्टस केक को बिना चोट पहुंचाए खा सकती हूँ। लेकिन इतनी देर क्यों लग रही है, मैं पहले से ही सो रही हूँ। अरे उठो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इसने मुझे चोट पहुंचाई। अपने केक को सजाओ और खाओ। मेरे पास एक आइडिया है, मुझे अपने कैक्टस को ग्रेटर पर रगड़ने की जरूरत है, फिर इसे सजावट के लिए उपयोग करना ज्यादा सुविधाजनक होगा। देखो यह लेयर कैसा है, मैंने बहुत अच्छा काम किया। तुमने अच्छा काम किया, यह पता लगाने का समय है कि इसका स्वाद कैसा है। कैक्टस थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन कुल मिलाकर बुरा नहीं होता, यह बहुत बढ़िया बात है। आपका स्वागत है। पता नहीं ढकनों के नीचे क्या है। जी मैंने इतना घटिया और बड़ा लॉलीपॉप कभी नहीं देखा। मेरा भी कोई कम बुरा नहीं है, लेकिन कम से कम ये इतना बड़ा नहीं है। दोस्तों इस बार हम स्पष्ट रूप से लकी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा बदकिस्मत कैंडी निकली। हाँ वो तो सही है, लेकिन तुम्हें पहले लॉलीपॉप खाना होगा क्योंकि तुम्हारा सबसे छोटा है। ठीक है मैं कोशिश करती हूँ, आशा करती हूँ कि मेरी तबीयत खराब ना हो। मुझे नहीं लगा था कि इतना स्वादिष्ट होगा। ओह ऐसा लगता है कि मक्खी में जान आ गई है। छी कितना घिनौना, मेरे मुंह में जिंदा मक्खी थी। तुम किस पर हंस रही हो पॉली, तुम्हारी बारी है। बस मुझे इसी बात का डर था, उम्मीद है कि बिच्छू मुझे डंक नहीं मारेगा। लेकिन इस लॉलीपॉप का स्वाद तो कुछ और ही कह रहा है, ये बहुत ही स्वादिष्ट है, मैं इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। ओह लगता है मैं उस सरप्राइज के बारे में पूरी तरह से भूल गई जो अंदर है। ये का असली बिच्छू है और उसने मेरी नाक पर डंक मार दिया। आह कितना दर्द हो रहा है, बेचारी नाक। और मेरे दोस्त भी ऐसे ही हैं, वे भी मुझ पर हंस रहे हैं। कैंडी ऐसा ही कुछ तुम्हारा भी इंतजार कर रहा है। क्यों मछली मुझे डंक नहीं मारेगी, केवल ये घिनौनी है। और तुम सही थी, इसका स्वाद लॉलीपॉप की तरह ही है। अच्छा है मेरे पास एक आइडिया है, पॉली जब वो खा रही है चलो खेलते हैं। पॉली सोना बंद करो, मैंने कहा जागो। कैंडी का लगभग हो चुका है, मैं इस पर इतना समय क्यों बर्बाद कर रही हूँ। इस लॉलीपॉप को बहुत तेजी से खाने का एक शानदार तरीका है। ओह थोड़ा सावधान रहो। हाँ लड़कियों अब तुम्हें मेरे लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, यह बहुत स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया और मैं सब खा लूंगी।
लेकिन मछली का क्या? मुझे आशा था कि तुम उसके बारे में भूल जाओगी। ओह, ये कितनी घिनौनी है और इसे बदबू भी आ रही है। अरे बाप रे, वो जिंदा है और उसने अपनी पूंछ से मुझे बहुत जोर से मारा। कैंडी को एक मछली ने पीटा। ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। मुझे यहाँ भी खाना होगा। उफ, मुझे लगता मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी में थी क्योंकि बहुत घिनौनी है। मुझे बस उल्टी होने वाली है। लेकिन फिर भी तुम्हें इसे खाना ही पड़ेगा। मुझे पता है इसे जल्दी कैसे करना है। हो गया, ये घिनौनी थी पर मैंने कर लिया। आह, चोट लग गई। कैंडी, आगे से सावधान रहना। ओप्स। इस बार पहले ढक्कन मैं खोलती हूँ। ओके। मुझे ट्विक्स बहुत पसंद है। मुझे भी यह चॉकलेट बहुत पसंद है, लेकिन यह इतनी छोटी क्यों है? मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं है। ओह, जरा देखो मुझे कितनी विशाल चॉकलेट मिली है। इसे कहते हैं चॉकलेट बार। जारा, पर तुम पहले खाओगी। खुशी से, मुझे उम्मीद है मेरी चॉकलेट बार कम से कम सबसे स्वादिष्ट है। इसे अपने हाथों से खाना काफी कठिन है, इसलिए मैं इसे ट्वीजर से करूंगी। चलो इसे खाती हूँ। बहुत स्वादिष्ट, यह सच में अच्छा है। अब मेरी बारी है। ओके। मैं वास्तव में इस विशाल चॉकलेट बार का स्वाद लेना चाहती हूँ। लीला, तुम कैंडी रैपर ऐसे क्यों फेंक रही हो? यह अच्छा नहीं है। मैं बस ट्विक्स को जल्दी से बाइट करना चाहती थी। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। मन हो रहा है कि सारी चॉकलेट को एक ही बार में खा लूं। हे, सावधान रहो, इस तरह से तो तुम हमें पूरी तरह से चॉकलेट से ढक दोगी। स्वादिष्ट चॉकलेट, और क्या वो बुरा है? मैं खा खा कर थक गई हूँ। नहीं, तुम्हें दूसरे भाग भी पूरा खाना होगा। मैं कोशिश करूँगी। मुझे एक तरीका पता है कि बहुत जल्दी कैसे कुछ खा सकते हैं। काम नहीं किया। हाँ, अब इसने काम किया। मुझे बस मदद की जरूरत थी। ओ, मेरी गर्दन को क्या हो गया? परेशान मत हो, ये तुम्हें सूट कर रहा है। खैर, अब मेरी बारी है चॉकलेट खोलने की। लेकिन पहले मैं उनकी मदद से लीला के साथ शरारत करूंगी। मैं इन नुकीले दांतों के साथ वैम्पायर की तरह लग रही हूँ ना? लेकिन नुकीले दांत भूरे क्यों है? लेकिन मैंने सबको हंसाया। अब चॉकलेट खा सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट, फिर भी ट्विक्स बार से अच्छा कुछ नहीं है। बस उंगलियां चाटना ही बाकी है। इस बार हमारा क्या इंतजार कर रहा है? क्या केवल यह? लेकिन तरबूज के बीज खाए नहीं जा सकते। और मेरे पास असली तरबूज है, या यो कहे उसका हिस्सा। लेकिन मुझे पूरा तरबूज मिला है। लेकिन पॉली को सम्मान देते हुए मैं उसे पहले खाने के लिए कहती हूँ। सही, क्योंकि मैं यहाँ सबसे भूखी हूँ। स्वादिष्ट, कितना रसीला और मीठा तरबूज है। पर इन बीजों को कहाँ रखना है? चलो सोचती हूँ कुछ। लीला, मदद करो। ओके। अरे वाह पॉली, तुम्हारे बीजों ने मेरे तरबूज में छेद कर दिया है। अब मुझे पता है कि इसके अंदर रंगीन कैंडी का एक पूरा खजाना है। और इसके अलावा कैंडी बहुत स्वादिष्ट है। तो फिर देरी क्यों? सारे कैंडीज को एक ही बार में क्यों न खा लिया जाए? स्वादिष्ट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरबूज का छिलका भी इसके अंदर जितना ही स्वादिष्ट होगा। और यह सच है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं कितनी लकी हूँ। दोस्तों, मैंने काफी खा लिया। खैर जारा, अब तुम्हारी बारी है बीज को खाने की। तरबूज के बीज खाना थोड़ा अजीब है, ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि इसका क्या करना है। मैं अपने आप असली तरबूज क्यों नहीं उगाती? मेरी दादी ने मुझे पौधों की उचित देखभाल करना सिखाया है। जारा, तुम सावधान रहो, तुम चारों ओर मिट्टी बिखेर रही हो। छी, वो हमारे मुंह में भी आ गई है। यह छोटा गड्ढा बन गया। अब इसमें बीज डालकर इसे ढक देना है। और अब इसमें पानी डाल देती हूँ। और बस अब इंतजार ही करना बचा है। चलो देखते हैं क्या होता है। ओ वाह, सब कुछ कितनी जल्दी हुआ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने क्या उगाया है। क्या? तारा, तरबूज बड़ा हो गया है। अब इसे टुकड़ों में तोड़ने का समय आ गया है, ताकि इसे खाया जा सके। हो गया।
आखिरकार मैं एक ताजा मीठा और रसदार तरबूज का आनंद ले सकती हूँ। बहुत बढ़िया, मैं बहुत खुश हूँ। जारा तुम कितनी फनी हो।